मैं भी अपने सामने दीदी की एक शॉर्ट्स पोस्ट करा रहा हूँ। कल है सोनी दीदी का शूट, फरवरी में शादी है सर की। सोनी दीदी भी सुबह इसलिए यहाँ पर आई थी क्योंकि मैं उधर नहीं जा सकती। तो ये आज हम लोग मॉल से सामान लेकर आए, सबसे पहले तो ये बहुत ही खास चीज। ओए लखनीत, गुड मॉर्निंग गबरू, गुड मॉर्निंग केबी। तो हमारी योगा टीचर जा चुकी हैं, अब मैं भी चली घर, अब मैं चली ऊपर। और आज का योगा सेशन बहुत अच्छा था क्योंकि थोड़ी सी ठंड हो गई है और बहुत ही सुंदर लगा। अब आप सोच रहे होंगे ये मैं लेके क्यों जा रही हूँ। तो गुची बाहर आ रहा था मेरे साथ 5 बजे, तो मैंने उसको अंदर करने के लिए उसको डराया इसलिए कि अंदर जाओ। 5 बजे कौन घुमाएगा यार, मैं सुधीर की नींद क्यों खराब करूँ। 6 बजे तो चलो वो उठ जाता है, मगर 5 बजे मैं उसको क्यों उठाऊ। मैंने तुमको बोला कि नीचे आके मुझे वो दे देना, आए क्यों नहीं भाई। गुची गुड मॉर्निंग गुची, 5 बजे क्यों उठ गया आप। मम्मा के साथ जाने के लिए उठा था ये, मम्मा लेकर नहीं गई। चलो अब चलते हैं, चलो चलो अब चलेंगे, एक घंटा। गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोग देख सकते हो दीदी सुबह सुबह इधर आई है और ये कितना खुश है दीदी को देख के। कैसे खेले थे तुझे बरसों से जानता हो। देखियो अभी भी नेटर तेरे पास से। इसने तुझे फर्स्ट टाइम देखा है, तूने इसे फर्स्ट टाइम देखा है। मैंने इसे सेकंड टाइम देखा है, इसने मुझे फर्स्ट टाइम देखा है। वेलकम टू लखनीत व्लॉग्स कर दिया, लोग देख रहे हैं। हेलो, वेलकम टू लखनीत व्लॉग्स, बोल वेलकम टू लखनीत व्लॉग्स। अब तो तेरे भी व्लॉग आएंगे फिर कुछ टाइम बाद। Yes! तेरे चैनल को आज भी मैंने प्रमोट करा है, शायद आज भी तेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे सब्सक्राइब। अरे भाई इसको तो तेरे साथ ही खेलना है। कैसा लगता है KFC का चिकन सा, देख देख देख। अरे वाह, बुआ साथ खेलोगे आप। अब चलो तो मैं तुम्हारी स्लैप भेज देती हूँ लोगों, ठीक है। कितना खुश है यार, तूने डूची को नहीं खिलाया, वो देख रहा था कि उदास हो गया वो। हाँ पूंछ हिला रहा है वो डुच्चू। अरे वो देख वो कहाँ से निकल के आया एकदम। भाई उसके साथ खेल तू, अब दीदी के साथ खेल खेल के मेरे पैर पे आ रहा हूँ, मुझे काट रहा है पागल। अरे दीदी इसको पकड़ यार, मसाज डूची की मसाज हो रही है। अरे वाह भाई वाह, बुआ अच्छी है डूची की, गुड। क्या आनंद आ रहा जीवन में। ये भी आया, इसको भी कर। नॉन स्टॉप पूछ इसकी, वो है वेव कर रही है। बहन बाल कहाँ कटे तेरे आज यार। इसने खुद ही अपने बाल काट दिए। एक बार वो स्टोरी बता दे यार प्लीज, बहुत फनी स्टोरी प्लीज। अरे कोई बेइज्जती थोड़ी इसमें यार, बता तो दे। सुबह सुबह मेरे बालों में रबड़ मेरे बालों में अटक गई, मैंने बहुत निकालने की कोशिश करी पर वो निकल नहीं रही थी। फिर मैंने मतलब जैसे थोड़े बहुत तो निकल गए पर उसके बाद भी फिर भी नहीं निकल रहे थे, तो मेरा दिमाग एकदम चलना बंद हो जाता है जो कि हमेशा का एक प्रॉब्लम है। मैं नहीं चलना बंद नहीं होता, तेरे में दिमाग ही नहीं है। हाँ फिर उसके बाद मेरे को रबड़ काटनी चाहिए थी, मेरे हाथ में सजा थी, मेरे को रबड़ काटनी चाहिए, रबड़ की जगह मैंने बाल काट दिए। कोई बात नहीं, मुझे पहले से उम्मीद है तेरे से। ओ वाओ, किसने किसकी कॉपी करी है। इसने मेरी क्योंकि मैं पहले आ गई थी सर। नीतू किसी कॉपी नहीं करती, स्टॉप कॉपिंग नीतू, बेस्ट। ओके नीतू, मैं अभी अपने सामने दीदी की एक शॉर्ट्स पोस्ट करा रहा हूँ इसके यूट्यूब चैनल पे, जो आपने कल देखी थी वो अभी पोस्ट हो रही है। अरे बंद कर, कॉपीराइट आ जाएगा तेरे चैनल पे, तो कोई कमाई दमाई होती नहीं है। अभी मैं इसको ऐसी टॉन्ट मार मार के इसको मोटिवेट करूंगा। क्या ये गाना लगा दे, बस कर दे। अब क्या करूं इसमें, बस सेलेक्ट कर दे ना, हो गया ये करना। ये कुछ भी नहीं आता है, एमएचओ दीदी के लिए बनवाया स्पेशली ये सैंडविच एवोकाडो। खा ले बहन मठे के साथ, खाएगी नहीं। नहीं अब इसे पोस्ट कैसे करना है। कल है सोनी दीदी का शूट और मैं उसमें से कुछ कपड़े लेने वाली हूँ। मेरे लिए कपड़े डिसाइड कर रही हैं, है ना। आप मेरे लिए कपड़े फाइनल कर रहे हो ना, कल मैं कौन कौन से कपड़े पहनूंगी। तुम मेरे शूट का पार्ट नहीं हो यार, तुम तो घर की मुर्गी दाल बराबर। गाइज मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैं विला नहीं जा पा रही हूँ अभी क्योंकि मेरी तबीयत मतलब गर्ल्स प्रॉब्लम चल रही है मुझे, तो मैं 3 दिन तक नहीं जा सकती, मतलब कल भी नहीं जा सकती थी, आज भी नहीं और कल भी नहीं, क्योंकि मैं कल ठीक होंगी तो परसों जब रामनवमी है तब मैं जाऊंगी पूजा करने, बट अभी मैं नहीं जा सकती मतलब 3 दिन मॉम ने, तो मैं नहीं जा सकती। इसलिए कहीं आप कमेंट्स करो और कुछ भी हो तो मैं उससे पहले आपको क्लियर करना चाहती हूँ। गाइस आज मैं बनाने वाली हूँ फैंटा मैगी, मतलब मैं कुछ ना कुछ करतूत करने ही वाली हूँ। तो भैया फैंटा मैगी की बहुत मैंने तारीफ सुन ली कि बहुत बन रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, और किसी को पता नहीं है फैंटा मैगी बना रही है, तो देखते हैं कैसी बनती है और कैसी होती है टेस्ट में। तो ज्यादा नहीं तो कैसे गिरी थी इस पे से। मैं धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ पर गिरेगा एक साथ। अच्छा खाने में क्या है। ये आया लगा दो लगा दो, क्या आया भाई, कुछ खाना खाया तूने। नहीं तो क्या करी सुबह से फिर। अभी हम नीचे प्रमोशन वो कर कर आए हैं। हो गया बड़ी मुश्किल से डांस हुआ, गाइस डांस नहीं आता क्या कर सकते। तो ये हमारा आज का लंच है, एकदम शुद्ध इंडियन खाना। आप देख सकते हो 2 तरीके की सब्जी और एक दाल एंड
एंड मैं लखन के लिए एक बहुत ही फेमस डिश बनाने वाली हूँ. कौन सी? खाना खा लो उसके बाद बना. अच्छा, थोड़ी देर. नासिर जी ने कमेंट किया है, सलाम कैसे हैं आप भाई एंड अप्पी नीतू, मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. मैंने आपको पहली दफ़ा कमेंट किया है, प्लीज़ रिप्लाई मी. थैंक यू सो मच. काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान से हमें देखते हैं और वो बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजते हैं. तो जो भी अभी हमें पाकिस्तान से देख रहा है, तहे दिल से शुक्रिया. और बस इसी तरह आप अपना प्यार वहाँ से भी हमें देते रहिए. नेक्स्ट कॉमेंट है प्रगति, जो कि हैं जम्मू से. आई थिंक उनका यूज़र नेम ही प्रगति जम्मू है. जिन्होंने लिखा है, शॉपिंग व्लॉग्स में बहुत ही मज़ा आ रहा है, कांट वेट फॉर योर वेडिंग व्लॉग. अभी टाइम है, स्टिल वेट जारी है. इस तरह अच्छे से अच्छे व्लॉग्स बनाते रहें और हमको एंटरटेन करते रहें. बहुत ही मज़ा आता है आपके व्लॉग्स देखकर. लॉट्स ऑफ लव लखनीत, कीप ग्रोइंग, गॉड ब्लेस यू एंड मोर एंड मोर. नीतू दी, लव यू द मोस्ट. थैंक यू सो मच प्रकृति, इतना सारा प्यार देने के लिए. अभी शादी का सीज़न है, दिसंबर तक ऐसी रहने वाला है. किसी ना किसी की शादी है तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है. ऐसे हमारे ब्लॉग्स देखते रहो गाइज. हमारे जैसे शादी है, नवंबर दिसंबर तक शादी का माहौल रहेगा. जनवरी में थोड़ा ठंडा रहेगा क्योंकि जनवरी में नहीं शादी है. ठंडा रहेगा मतलब वैसे भी ठंडा और हमारा माहौल भी ठंडा. फरवरी में शादी है सर की, 8th of February. सबको बुलाना नहीं चाहते? सब आएंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा. नहीं आएंगे सब, दिल से तहे दिल से बुलाओगे तो सब अपना प्यार देंगे. बुला लो, लोकेशन बताना. अरे ऐसा क्यों भाई, क्यों बुलाऊंगा तो लाइव दिखा देना. हमने अपनी एंगेजमेंट पूरी लाइव करी थी, तू भी कर सकता है. हाँ, एंगेजमेंट मुझे याद है अच्छी तरह. मैं था. अच्छा, तू था? हाँ तू था. कैमरामैन तो यही थे? नहीं नहीं, उस टाइम नहीं था ये. उस टाइम यार ही अपनी जॉब कर रहा था. हमारे पीछे सब जॉब छोड़ छोड़ के आए हैं. हमारे काम सबको बुलाऊंगा. हाँ, 8 फरवरी को सबको आना. और 12 फरवरी भी. 12 फरवरी को क्या? रोहित. हाँ, 12 फरवरी को रोहित का बर्थडे, 15 फरवरी को इस लड़के का. नहीं बर्थडे नहीं, शादी. की शादी है 15-12 को और 15 को इसकी. देखा, मैंने तो सिर्फ 18 जनवरी बता रखी है. नहीं, जनवरी में किसी की शादी नहीं है, समझे? सिर्फ फेब में शादी है. तो अब मैंने अपना यहाँ वाला काम खत्म कर लिया. मैं विला पर जा रहा हूँ, देखता हूँ वहाँ पर क्या हो रहा है. सुबह भी कहता व्लॉग नहीं बना पाया बिकॉज पूजा चल रही थी वहाँ पर. आपको पता नवरात्रि चल रहे हैं और हमारे अखंड ज्योत होती है. तो अखंड ज्योत में क्या होता है ना, मतलब सब लोग बड़े सीरियस मोड में होते हैं उस टाइम. तो मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाया वहाँ पे. चल भाई, सैडली घर पर कोई भी नहीं है और दीदी अभी ऑफिस से आई नहीं है. यश गया हुआ है शीरो और ऑस्कर को घुमाने. नहीं, शीरो तो ये ना, ऑस्कर घुमाने गए. बाइक पे बिठा के घुमाता है इनको. इनको नहीं घुमाता तो ये जान खा लेते हैं उसकी. कहाँ है रिक्की, कहाँ है? कहाँ वो, उसको ऑस्कर घुमा रहा होगा वो. इसको घुमा लिया पहले ही? हाँ भाई, छोटे तेरा नाम है आज से मलाई. मलाई? हाँ. कौन खाएगा मलाई? कोई नहीं खाएगा, तू मलाई जैसा ही एकदम. मलाई वाली चाय तो ये डाल. हाँ, ये मलाई जैसा हो एकदम. भैया हंस रहे हैं क्या? रोए रहे हैं? अरे वाह भाई वाह, छोटे फिर से कहते एक बार. हंस रहे हैं रोए रहे हैं? भाई वाह, रोए रहे हो तो जब फिर बहू आएगी. अभी थोड़ी आ रही है, अभी तो हसन दो. वैसे भी रोना थोड़ी है, खुशी बनाना है. बहू आ रही है, तो रो नहीं है. रोने वाले राजस्थानी है जी. हाँ, बता दे कहाँ को है तू, बता दे एक बार. चंबल घाटी. ये चौरंग के गांव को. चंबल घाटी को है जी. ये बोलता मैं हूँ चौरंग के गांव को. अब भाई कह दो क्या करे. तो वह आती ना है वो, तो दादागिरी में आए. छोटे एक बात बता, तुम बचते रहने दे. तू चंबल घाटी से, तू धौलपुर से है? चंबल घाटी में आते हो वो? तूने गुंडे बदमाश देखे कभी? कितनी बार? मैंने बहुत. सच्ची बताइए. सच्ची. चल कोई भी बात हो जाएगी तुझे बता दूंगा मैं. ठीक है, ठीक है भाई. क्या कह रहा हूँ? 1500 का ग्रुप है. आया, चल आ जा. रिक्की को देखे. रिक्की आ गया? मैं तुझे ढूंढ रहा था. इसका यही है बस रूटीन बेचारे का. पागल कहाँ भाग गया था? बस मोहल्ले कुत्ते देखे. और यहाँ तक छींक रहा है, यहाँ तक. इस अंदर ले जा भाई, ये तो बहुत उद्यमी है, इसको मत निकाला कर बाहर. एकदम भागता जा, जेल में कैद हो. ए ये तो कोई मॉडल आ रही है भाई. मैं दिशा पाटनी की तरह लग रही है ना, स्लिम और एब्स वाली. अच्छा, ये एब्स है नीतू? ठीक, अगर तूने बोल दिया तो है. चल आ जा. चले? हाँ चल. नेक्स्ट कमेंट है नीतू यादव का, जिन्होंने लिखा है, वैसे नीतू नाम की लड़कियां बहुत ही ज्यादा सच्चे दिल की और साफ दिल की होती हैं. बिकॉज मेरा नाम भी नीतू है. बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते हो. तो मतलब उन्होंने अपनी तारीफ करी है और मेरी भी. जो जितने भी यहाँ पर नीतू नाम की लड़कियाँ हैं, आप बहुत सच्चे दिल की हो. अब नेक्स्ट कमेंट है नम्रता जोशी जी का, जिन्होंने लिखा, नीतू आपको देखकर सच में लगता है कि काश हम भी ऐसा कर पाते. आप अपने काम करते हो नो मैटर कोई क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है.
आपकी छोटी सी एज में आप इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत ही अच्छे से निभाते हो। हमारी सोसाइटी में बोलते हैं लड़की अपने मायके वालों का ही पूरा करती रहती है, बट आपने सबको बताया है बेटियां शादी के बाद जितनी ससुराल की ढाल है उतनी ही मायके की भी है। वो कहीं भी जाए बट वो सबको अपना बना लेती है, और कैसे सबकी मन की बात आप जान लेती हो, सबके लिए एक जैसी सोचती हो, घर बाहर रिलेटिव्स ऑल, दिल से दुआ निकलती है, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा कमेंट किया, इतना टाइम निकाला इतना बड़ा कमेंट लिखने का। तो मैं यही आपके प्यारे से कमेंट पे रिप्लाई करना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली अगर हमारी शादी हो जाती है इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पेरेंट्स को भूल जाएं, हमें उतना ही प्यार तब भी उनसे ही करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए और जितना हो सके उनसे मिलने जाना चाहिए। तो बस आप अपने माँ बाप से उतना ही प्यार करो, और सारे माँ बाप से, अपने माँ बाप से सबसे प्यार करो, अच्छे से रहो। गाइस हमारे घर में अखंड ज्योत जल रही है नवरात्रि की, और अखंड ज्योत में क्या होता है ना, क्योंकि नीतू की अभी डेट आई हुई है तो वो अभी मतलब घर नहीं आ सकती यहाँ पर, क्योंकि उस टाइम घर को हम पूरे को मंदिर मान लेते हैं कि ना मंदिर है, घर कन्वर्ट हो जाता है उसमें, तो इसीलिए अभी मतलब आप लोग देख रहे होगे दो दिन से नहीं आ पा रही है। आई गेस शायद दो दिन में वो ठीक भी हो जाएगी, लेकिन तब तक नवरात्रि भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है यार, पूजा और इनके जो भी चीज़ें हैं वो पूरी श्रद्धा के साथ करनी चाहिए, लेकिन दीदी उसको बहुत मिस कर रही है। यहाँ पे दीदी जाके उससे मिल भी, आपने देखा था सुबह के व्लॉग में, दीदी सबसे पहले वहीं पहुँच गई थी, इसीलिए पहुँच गई थी क्योंकि दीदी और वो रह ही नहीं सकते दूसरे के बिना। भाई ऐसा बॉन्ड मैंने कहीं नहीं देखा नंद और भाभी का। दीदी तो नंद नहीं यार, ये बेस्ट फ्रेंड है उसकी, मतलब उसको भी फील होता है पता है। वो भी कहती है कि यार मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि कीर्ति दीदी ऐसी होंगी। मेरे को आज भी याद है जब नीतू पहली बार हमारे घर में आई थी ना, जब टिकटॉक के टाइम पर मतलब लॉकडाउन लग गया था, तो वो दीदी के रूम में ही सोई थी। उस टाइम पे इतना वियर्ड था कि दोनों बड़े फॉर्मल से थे एक दूसरे से, लेकिन जिस तरीके से दीदी ने एक्सेप्ट करा नीतू को और जिस तरह उसको कंफर्टेबल फील कराया, जितना उसको प्यार करा, मतलब हैट्स ऑफ यार। मतलब मैं भी अगर दीदी को बोलता ना कि दीदी ये देखिए नीतू है, इसको आराम से रखियो, इसको बहुत प्यार करियो, मैं भी इतना अच्छा नहीं बोल पाता या इतना अच्छा उसको बोल पाता जितना उसने खुद से करके दिखाया। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है देख के, ऑफ कोर्स जब आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है देख के। और पता है कई बार कमेंट्स मैंने ऐसे पढ़े हैं जो लोग बोल रहे हैं कि आपकी बॉन्डिंग देख के हमारी अपनी ननद और भाभी से, मतलब जो भी रिलेशन होंगे उनसे बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है, तो हम आपकी वीडियोस एक दूसरे को भेजते हैं कि देखो ऐसा बॉन्ड होना चाहिए। तो पता है जब ये वाले कमेंट्स पढ़ते हैं तो लगता है कि भाई कुछ तो अच्छा कर दिया सोशल मीडिया पे, कि लोग कुछ अच्छा, देखो यार अच्छा कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि ना हर किसी में अच्छाई बुराई होती है। मैं नहीं कह रहा मैं परफेक्ट हूँ या मेरी फैमिली परफेक्ट है, अगर हमारे में से कुछ भी कोई अच्छी चीज़ आप सीख रहे हो और इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब इनफैक्ट हम आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि आप कमेंट्स में इतनी सारी चीज़ें सिखा देते हो हमको। कई बार कोई चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ तो आप कमेंट्स में बता दो कि लखन भैया ये ऐसे नहीं करना, वो ऐसे करना, तो हम भी आपसे सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो यही मतलब यही तो फैमिली का काम है ना, एक दूसरे की हेल्प करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, इतना बड़ा सपोर्ट पिलर बन के खड़े हो हमारे साथ। तो मैं आ गई हूँ घर पर वापस और बहुत ज़्यादा थक गई, मैंने खाना लगा दिया तो मेरे लिए बनी है खिचड़ी, और आप लोगों को, आप सभी को लखन ने एक्सप्लेन कर दिया होगा कि मैं नहीं जा पा रही हूँ उधर, तीन दिन तक नहीं जाऊँगी। फाइनली मैं घर में आ गया हूँ, दीदी नहीं है यहाँ पे, ये अचंभा कैसे हुआ भाई? हो सकता है यश के रूम में बैठी हो, डरपोक नहीं, कोई हॉरर मूवी देख रही होगी तो यहाँ बैठी होगी, यहाँ पे नहीं है दीदी, नहीं है यहाँ। और देखो ये गुच्छी की आदत खराब हो गई है, हर खाने में मुंह मारता रहता है। तो हम लोग आए हैं मॉल से और मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। सोन दीदी भी सुबह इसलिए यहाँ पर आई थी क्योंकि मैं उधर नहीं जा सकती, और सच बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। वहाँ पर पूरे दिन पूजा थी या अभी भी चल रही होगी, मे बी नॉट श्योर, बट अब मैं खाऊँगी अपना डिनर, पहले हैंड वॉश कर लूँ, भूख लगी है। डूची आपका भाई का, इसका भाई का है भाई, भाई बोला दीदी मिस कर रही, मैं भी मिस कर रही हूँ सबको। वीडियो कॉल कर लिए तूने उसको? अभी तो करिए। अच्छा कहाँ, ये कहाँ है दूसरा, कहाँ शता, और ले 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 ले, क्या फोड़ रहा है भाई क्या, हाँ अरे 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 कितना कुछ, हाँ वे तू अरे अरे फूले नहीं समा रहा, इसको समझ नहीं आ रहा, इसको समझ नहीं आ रहा खुशी कैसे मनाऊं, देख उसको देख, हाँ चल मैं हाथ धो के आ रहा हूँ। तो ये आज हम लोग मॉल से सामान लेकर आए, सबसे पहले तो ये बहुत ही खास चीज, क्योंकि हमारे जितने भी प्यारे प्यारे नीचे हैं गबरू और वो सब, मैं गबरू को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, पता नहीं मेरी ना गबरू से एक अलग ही अटैचमेंट है, अलग ही तरीके की होती है ना, एक एक बच्चा प्यारा होता है
गूची तो खैर है मगर मैं घबरूंगी, तो यही हम उनके लिए ब्लैंकेट लेकर आए क्योंकि सुबह जब मैं 5 बजे उठती हूँ तो मुझे इतनी ठंड लगती है, तो मैं ये सोचूँ उनको कितनी लगती होगी, तो मैं ये लेकर आई। गूची आप एक बारी दिखा दो सबको, आप कितने प्यारे लगोगे इसमें। देखो गूची कितना सुंदर लग रहा है, सुंदर सुंदर बेटा है मम, क्योंकि बताओ गूची इतना सुंदर कैसे है, बताओ बता, क्योंकि उसकी मम्मी सुंदर है। इधर गूची इतना सुंदर कैसे है, क्योंकि गूची मुझे मिला था। देख बात है, मैं गूची बनाने वाला ही था, इसका ये मैं एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, तहे दिल से तुम्हारा ये एहसान है मेरे तलवो तलक। तलवो तलक, तलवो कैसे कहते हैं नहीं कुछ नहीं, एक वो होता है एक एक एहसान तले दबी हूँ। हाँ मैं तेरे एहसान तले दबी हूँ कि मुझे तूने मेरा बेटा ये बाबू नहीं यार। बट गूची आने के बाद हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस हमारी, हमारे लिए गूची बहुत लगी है, बहुत बहुत ज़्यादा। तो अभी नीचे चलते हैं उनको ब्लैंकेट देने, गूची आपका नहीं है चल ले एक गूची को दे देते क्योंकि हम बहुत सारे लेकर आए हैं। देखो एक इसको भी चाहिए भाई, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे लिए नहीं है भविष्यनाथ गूची की बिटाई को। तो ये देखो पहले ना यही तीन देकर आते हैं, कहीं वो ये भी फाड़ दे। चलो ठंड की शुरुआत हो चुकी है, तो शुरुआत मुझे पता है बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ेगी क्योंकि दिल्ली में और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। दिल्ली में तो कुछ ज़्यादा ही पड़ती है, यहाँ पर तो तभी कम है, बट स्टिल वी नीड दीज काइंड ऑफ कंबल्स फॉर एवरी स्ट्रीट डॉग्स। तो मैं सबसे पहला कंबल, सुधीर इस दोनों कंबल पकड़ना, सुधीर इसको पकड़। तो ये जो दोनों कंबल हैं सबसे पहले मैं यहाँ बिछाऊँगी, अभी ना यहाँ पर कोई है नहीं, वो घूमने गए हैं, बट यहाँ पर मैं एक बिछा के देखती हूँ, अगर मैंने बाहर की तरफ बिछाया तो ओस पड़ जाएगी, और ये कंबल की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब मैं आशा करती हूँ यहाँ पर बैठे, अब सुबह देखूँगी 5 बजे मैं यहीं पर आती हूँ अपनी योगा करने के लिए। और सच में यार जो 5 बजे की जो 4 बजे की शुरुआत होती है ना, जो हमारी योगा टीचर हैं वो आगे आगे वाइटी वाइटी आ जा, जो मेरी योगा टीचर हैं वो सुबह उठती हैं 3 बजे, सीधा नहा जाती हैं नहाने के लिए अपनी मेडिटेशन ख़त्म करने के बाद, और सुबह 3:30-4 बजे पूजा करती हैं। हे भगवान, खैर मैं तो ऐसी कभी नहीं बन सकती, मुझे खुद को पता है कि 3 बजे तो यार नो चांस, 4 बजे उठ जाऊंगी, बट 3 बजे यार नहीं, 3 बजे तो पता है मैं इसलिए भी नहीं उठ पाऊंगी क्योंकि ऐसे मैंने सुना है भूत का साया होता है 3 बजे। नॉट पॉसिबल। तुम्हारे लिए वो ब्लैंकेट आया, चेक कर लो जरा, ये दोनों सबसे डरपोक हैं और दोनों ही मिले वाइटी, बट इसमें सो जाए भगवान करें, देखते हैं सुबह ही देखूंगी मैं। हाँ का बाय, गुड नाइट, मेरे भी सोने का टाइम हो गया, 9 बज गए हैं। ओके गाइस, अब बस सोने की तैयारी है, बहुत लंबा दिन था आज का, तो कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। अब बस परसों हमारी रूबी बहना की जो गोद भराई है वहाँ पे जाना, उसकी तैयारी करनी है कल का ब्लॉग बहुत अमेजिंग होने वाला है। इस ब्लॉग को लाइक कर देना, कमेंट भी करना, कल मिलेंगे, बाय बाय, आई लव यू ऑल।